हेलो एवरीवन, आज हम साइक्लोन सेपरेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये है साइक्लोन सेपरेटर की फिगर। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। मींस कि यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी हेल्प से हम फ्लूइड को सॉलिड में से सेपरेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सेपरेशन प्रोसेस होगी वो डिपेंड करेगी पार्टिकल साइज, पार्टिकल डेंसिटी एंड फ्लूइड वेलोसिटी पे। यहाँ पे जो कोर्स पार्टिकल मीन्स के जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से कैरिड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में ये क्या है कि साइक्लोन सेपरेटर इज कंसिस्ट सिलेंड्रिकल वेसल विद कॉनिकल बेस, ये उसका मेन पार्ट है। सेकंड के यहाँ टेंजेंशनल इनलेट है जहाँ से हम मटेरियल इनलेट करेंगे। ये है फ्लूइड आउटलेट, यहाँ से हम फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स फाइन पार्टिकल को। और सॉलिड आउटलेट से हम कोर्स पार्टिकल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ये इनलेट है यहाँ से हमने सस्पेंशन बनाया है पार्टिकल का, सॉलिड इन गैस का जो सस्पेंशन बनाया है हमने, ये सस्पेंशन को हम यहाँ इनलेट से बहुत ज़्यादा स्पीड से इनलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो रोटरी मोमेंट होगा, और जो यहाँ पे रोटरी मोमेंट होगा वेसल में उसकी वजह से पार्टिकल एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल है जो वो एक्ट करने लगेंगे और बहुत स्पीड से यहाँ वेसल की वॉल से टकराएंगे, और टकराएंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से, उसी वजह से यहाँ पे फाइन पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और यहाँ आउटलेट से रिमूव हो जाएंगे, और जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो टकराते टकराते कॉनिकल बेज में सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ आउटलेट से उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग में क्या है, बहुत इजी है। यहाँ इनलेट से जब हम अपना सस्पेंशन बहुत हाई स्पीड से एंटर करते हैं तो यहाँ पे वो बहुत स्पीड से अंदर घुस जाता है, मीन्स इनलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो यहाँ रोटरी मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत स्पीड में यहाँ रोटरी मोमेंट स्टार्ट होता है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और पार्टिकल एक्ट करने लगते हैं, और सॉलिड पार्टिकल यहाँ वॉल पे कॉनिकल जो वेसल है उस सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी वॉल पे टकराते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पे फाइन पार्टिकल जो होते हैं फ्लूइड यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर से यहाँ फ्लूइड आउटलेट से बाहर हो जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो कॉनिकल बेस में सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद हम सॉलिड आउटलेट से उसको कलेक्ट कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, उसका यूज देख लेते हैं। यूज में क्या है कि टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम गैसेस, एंड सेकंड यूज इज के यूज फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये है साइक्लोन सेपरेटर। थैंक यू।